इंडियन हूँ और यहाँ पर संविधान बचाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। मोदी जी ने आज देश के यंगस्टर्स को किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एजुकेशन में बिजी होने के बजाय हम लोग प्रोटेस्ट में बिजी हैं। ये इंडिया कहाँ जा रहा है? देश को आज साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे वेल क्वालिफाइड एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन के पॉइंट को हटाकर मोदी जी ने ये मजहबी भेदभाव पैदा किया है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और CAA हटाओ, संविधान बचाओ, हमारी यही मांग है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, आज भी वो फॉलो करेंगे हम लोग और करते रहेंगे हमेशा। ये हमारे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, सभी की, ऑल इंडियंस की राय है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब इंडियन हैं। ये देश हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज जो रास्ते पर निकली हुई है स्टूडेंट्स रैली, ये एक्चुअल देश का भविष्य है और ये देश का भविष्य इस तरीके से लड़ रहा है अपने इंसान के लिए। ये जो जामिया में हुआ है, पुलिस ने लेडीज स्टूडेंट्स पर भी जो हमला किया है, ये बिल्कुल अगेंस्ट हम के खड़े हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेवियर हुआ है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस बिल को हटाया जाए। आप हमें जात में नहीं बांट सकते, धर्म में जात में नहीं बांट सकते। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं और वी आर ऑल टुगेदर। हर जात का इंसान यहाँ पर रहेगा और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। और मैं उन सभी भाई बहनों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जो इस बिल के अगेंस्ट हमारे साथ खड़े हैं। और हम आज इस देश की जनरेशन ने, न्यू जनरेशन ने ये बता दिया कि वी ऑल आर इंडियंस, हमें जात में ना बांटे प्लीज, और हमें अपने हकूक का इस्तेमाल करने दे। और हमारी मेन लड़ाई जो है संविधान को बचाना है। ये जो हमारा दस्तूर है, ऐसे ही नहीं लिखा गया, ना ये कुछ चंद पेजेस पर लिखा गया, एक बहुत बड़ी किताब है दस्तूर। और इस दस्तूर को हम कायम रखेंगे इंशाल्लाह मरते दम तक।